हाथी और चतुर खरगोश। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसके साथ अन्य भिन्न जातियों के जीव भी रहते थे। प्रारंभ से ही सब एक साथ मिलकर प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार जंगल में बहुत महीनों से बारिश नहीं हुई। वहां के पेड़ पौधे सब पानी और सिंचाई के बिना सूखने लगे। जंगल के आसपास के सभी जलाशय सूखने लगे। सभी जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। हाथी भी जंगल से बाहर आ गया। करीब एक हफ्ते के कठिन रास्ते में चलने के बाद उसे दूर किसी दूसरे जंगल के किनारे एक बहुत ही बड़ा पानी का जलाशय दिखा। वह वहां गया। उस जलाशय का पानी बहुत ही मधुर था, मानो अमृत का दरिया उसी जलाशय में था। हाथी को बहुत समय से पानी की तलाश थी। वह अपने सामने पानी को देख बहुत खुश हुआ। वह जलाशय के करीब गया और वहां से कई सारा पानी पी लिया। जब तक उसकी तृप्ति नहीं हुई, वह पानी पीता ही गया। उसने मन में सोचा कि मेरे जंगल के साथी भी तो काफी समय से प्यासे हैं। मैं उन्हें भी इस जगह में ले आता हूँ, फिर हम सब यहीं पास के जंगल में अपना बसेरा कर लेंगे। वह फिर से जंगल में गया और अपने सभी साथियों को इस विषय में विस्तार से बताया। उसके सभी साथी जानवर बहुत खुश हुए। हाथी सभी जानवरों को उस जलाशय तक ले आया। उस जलाशय के रास्ते में आसपास बहुत से खरगोश अपना बिल बनाकर रहा करते थे। उन्होंने सारी जमीन में अपने बिल के सुराख कर रखे थे। पहले जब केवल हाथी आया था, तब तो उनका इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जब सभी जानवर एक साथ उस जलाशय में आए, तो रास्ते में जिस जमीन से वे होकर आए, उस हिस्से के सारे खरगोशों के बिल टूट गए। उनमें रहने वाले सभी खरगोशों को बहुत हानि उठानी पड़ी। हाथी और उसके साथियों के भारी भरकम पैरों की वजह से किसी खरगोश का सिर फूट गया, किसी की टांग टूट गई, तो किसी खरगोश को इतनी ज्यादा लगी कि वो मर ही गए। जलाशय में आकर सभी जानवरों ने अपनी प्यास बुझाई और फैसला किया कि अब वे सभी पास के जंगल में ही रहेंगे। सभी जानवर पास के जंगल में चले गए। सभी ने वहीं अपना डेरा डाल दिया। अब वे सभी जानवर रोज उस जलाशय में पानी पीने आते और कई सारे खरगोश निर्मम ही मारे जाते। खरगोशों की प्रतिदिन होने वाली इतनी मृत्युओं को देखकर खरगोशों का राजा बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपने सभी खरगोशों को एकत्रित किया। उसने उन लोगों से कोई समाधान निकालने की विनती की। उसने कहा, यदि शीघ्र ही कोई समाधान नहीं निकला, तो हम सब मृत्यु की ओर निश्चित ही पहुंच जाएंगे। सभी खरगोश भी बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि क्या पता किस दिन हमारी बारी आती है जानवरों द्वारा शहीद होने की। झुंड में से एक खरगोश ने सुझाव दिया कि हमें यह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान को अपने रहने के लिए खोजना चाहिए, ताकि हम सब यहाँ से जाकर वहाँ सुकून से रह सके। उसकी बातें सुनकर एक दूसरा खरगोश बोला, मैं तो अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कुछ खरगोश उसकी बात से सहमत हुए। तभी एक बुद्धिमान खरगोश ने उठकर अपने राजा खरगोश से कहा, महाराज, यहाँ पर हाथ में हाथ रखे बैठने से अपनी मृत्यु को देखने और हमारी इस पुश्तैनी जगह को छोड़कर कहीं और जाने से बेहतर है कि हम इस समस्या का समाधान करें। उसने कहा
कि हम में से किसी एक को खरगोशों का प्रतिनिधि बनकर हाथी और उसके साथी जानवरों से बात करनी होगी। क्या पता वे हमारी बात को समझे। समस्या से भागना तो कोई समाधान नहीं होता। सभी खरगोशों ने फैसला लिया कि उस बुद्धिमान खरगोश को ही जंगल में हाथी और उसके दल में वार्ता के लिए भेजा जाएगा। शाम का समय हो गया था। वह बुद्धिमान खरगोश जंगल चले गया। वहाँ हाथी और उसके साथी जानवर आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी खरगोश उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए उनकी सभा में उनके बीच में चला गया। हाथी बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? खरगोश ने उत्तर दिया, मैं एक खरगोश हूँ, चंद्रमा पर रहता हूँ। मुझे तुम्हारे पास चंद्रदेव ने भेजा है। हाथी ने सोचा, यह तो सच में चंद्रमा की तरह सफेद और चमकदार है, शायद ये सच कह रहा है। हाथी ने उस खरगोश को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप यहाँ चंद्रदेव के कहने पर ही आए हैं? खरगोश ने कहा, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जहाँ पानी पीने जाते हो, यह जलाशय चंद्रदेव का है। उन्हें तुम्हारे पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब यह जलाशय वे सूर्यदेव को भेंट करने वाले हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि अब तुम लोग उसका पानी पीने वहाँ नहीं आओगे। आज वे इस जलाशय को लेने स्वयं यहाँ आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने तुम लोगों के लिए पास के जंगल में पानी की व्यवस्था कर दी है। तुम सबको वहाँ जाने का आदेश भी दिया है। हाथी को चंद्रमा की धरती पर आने की बात से खुशी हुई। उसने खरगोश से कहा कि क्या मैं एक बार उनके दर्शन कर सकता हूँ? खरगोश ने कहा, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। वह हाथी को लेकर जलाशय पहुँचा। जलाशय में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। हाथी ने उसी परछाई को चंद्रमा समझकर उस परछाई को प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। वह अपने साथ सभी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल चले गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी सभी साथी खरगोशों की जान बचाई।